इनका जैसे कि क्लास नाइन है, क्लास नाइन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक का जो पढ़ना चाहता है ज़रूर पढ़ेगा, क्योंकि आजकल जो है सभी बच्चा लोग जो है अब इंटरनेट में भरोसा है, गूगल पे भरोसा है, क्योंकि हाँ गूगल आपका इमरजेंसी में काम देगा मानता हूँ। अगर किताब अगर पढ़ के अगर आप अपना दिलो दिमाग में अगर बसा कर रखने से आपका कोई जगह में अगर कहीं अगर इंटरनेट नहीं मिलेगा तो उसी में भी काम आएगा, लिखने में काम आएगा। तो इसीलिए CRPF का जो कमांडेंट साहब ने जो आज हमारा दो तीनों स्कूल का प्रिंसिपल को जो खिताब दिया, और मैं उम्मीद रखता हूँ वो अच्छा बच्चा लोग आगे उनका जो भविष्य में आगे जाने के लिए जर्निंग में वो बहुत काम आएगा पढ़ने लिखने में। सर देखा गया कि मतलब लोगों में एक वो रहता है कि CRPF लोग हम लोग का साथ ऐसा ट्रीट करेगा, ऐसा ट्रीट करेगा, जैसे आपने अपनी स्पीच में भी कहा, लेकिन सर CRPF रेगुलर इंटरवल में ऐसा प्रोग्राम करवाते रहता है, तो आपके तरफ से आप CRPF को क्या कहना चाहेंगे एज ए लोकल? नहीं, हम एज ए ईटानगर का विधायक होने का नाते इसलिए मैंने कहा कि हमारा अभी जो स्पीच में हमने कहा कि क्योंकि हम लोग एक जो गाँव का जो लोग और CRPF ITBP से बहुत दूर बनाए रहता है, वो एक हमेशा एक डर रहता है कि ये लोग मारने पीटने वाला है, ये लोग जो है फौजी है तो नियम कानून को चोर के भी कर सकता है, लेकिन इस टाइप का सोच एक रखता है। लेकिन ये जो सिविक ये प्रोग्राम में अगर जाकर गांव वाला से मिलता है, और भारत सरकार ने भी एक प्रोविजन रखा तो CRPF बोलो आपका ITBP बोलो उन लोग को एक प्रोग्राम पब्लिक का बीच में जब भी साल में जहाँ भी उन लोग रहेगा वह एक प्रोग्राम इसी तरह की प्रोग्राम अरेंज करने के लिए उनको मौका देता है, और जो जनता का बीच में आकर जनता का दुख क्या है, दर्द क्या है, उन्हें उन सभी भी समझ सकता है और जानने का बात उनका, और ऐसी इसी तरह की एक पब्लिक के साथ इसी तरह के मीटिंग होगा बैठ के अगर आम पब्लिक के साथ बातचीत करने का बात, तब तो जाकर हाँ ये जो है हम लोग का बीच में कहीं अगर बहुत यूथ तौर पे अगर कहीं अगर झगड़ा बढ़ गया, मारपीट हो गया, वो बीच बचा करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा मेंटेन करने के लिए है, और बाकी जो है ये हमारा ही मददगार है। तो ये चीज़ जो है हम लोग का बीच में डिफरेंस रहता है कि इसी तरह की अगर प्रोग्राम रह जाएगा तो धीरे 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 गांव वाला भी समझेगा, हाँ ये भी मेरा भाई है, हाँ ये भी मेरा ही अच्छा के लिए हाँ इनका दूती करता है, एक दूसरा को इज्जत मिलेगा, और एक दूसरा को जब तक इज्जत नहीं देगा तब तो जाकर हम अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो ये जो है हम लोग का बीच में एक ब्रिज का तरह काम करेगा और आगे जाकर इसका नतीजा अच्छा है। सर जैसे कि ये इनिशिएटिव CRPF का तरफ से लिया गया है, तो जैसे कि आपने शुरू में भी कहा था जो नेटवर्क इशू जगह है वो सब के लिए बुक्स बहुत रिलायबल होता है, तो कैपिटल में तो फिलहाल तो नेट ठीक ही है, तो आपको क्या लगता है कि ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहिए जो कोना कोना में गाँव बसा हुआ है जहाँ स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं पर नेटवर्क का भी सपोर्ट नहीं होता? वो तो स्टेट गवर्नमेंट तो अपना हिसाब में तो कर रहा है, वो नहीं करता है बोल के नहीं है, कर रहा है, लेकिन इसी में CRPF बोलो हाँ वो अपना ओर से भी कुछ करना चाहता है तो ये सब बीच बीच में करता है, प्रोग्राम रखता है करता है, तो मतलब बच्चा लोग का जो यंग जनरेशन को भी उन सभी भी हाथ बताना चाहता है तो बहुत अच्छा बात है, सरकार तो कर ही रहा है और करेगा भी। एक्शन प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम CRPF आम पब्लिक के बीच में हम जाते हैं, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि CRPF और आम पब्लिक के बीच में कोई गैप नहीं है, हम जहाँ भी तैनात रहते हैं हम वहाँ के लोगों के लिए वहाँ के जो भी दुख सुख है उसको बांटने के लिए हम भी अपनी तरफ से सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस सिविक एक्शन प्रोग्राम का मेन ध्येय यही है कि हम लोकल पब्लिक को बताएं कि CRPF जो है एक ऐसी फोर्स है जो कि यहाँ के सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करती है, और इसी उपलक्ष्य में आज हमने मॉडल विलेज नहरलागुन में एक प्रोग्राम रखा,
जिसमें हमने तीन स्कूलों को हमने बुक शेल्फ और बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि यहाँ के बच्चों को एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो जो कि धीरे धीरे इंटरनेट और गूगल आने से कम होती जा रही है। तो बच्चों के अंदर एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो और वो आगे बढ़ें पढ़े और अपने देश का नाम रोशन करें, इसी उद्देश्य से हमने इस तीन स्कूलों में हमने बुक शेल्फ और बुक हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि एक लाइब्रेरी डेवलप कर सकें। सर, जो आप तीन स्कूल किए रहे, क्या बता पाएंगे कौन कौन से स्कूल्स में आप लोगों ने? नहीं, मदन तीन विलेज हमारे तीनों गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनका नाम मैं आपको दे दूंगा। गवर्नमेंट तीनों गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उन तीनों को हमने एक बुक शेल्फ और बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है और ये वो अपने कॉलेज में या स्कूल में जहाँ भी है वो अपना एक लाइब्रेरी स्थापित करेंगे और बुक्स को बच्चों को देंगे पढ़ने के लिए वगैरह कि उससे वो लाभान्वित हो सके। जैसे एमएलए सर ने कहा कि मिसकंसेप्शन और मिसकम्युनिकेशन होता है सीआरपीएफ और पब्लिक के, जी वैसे इवेंट जो ये इवेंट होता है ये पब्लिक और सीआरपीएफ को सामने लेके आता है। अच्छा, तो ये इवेंट जो कैलेंडर इवेंट ये एवरी ईयर होगा ना? कभी कभी जी, ये हर साल होता है और हमारे जैसे अलग अलग लोकेशन है, हम हर लोकेशन में ये प्रोग्राम करते हैं। अभी हमने 17 तारीख को पासीघाट में किया जहाँ पे हमने मेडिकल इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया था। उससे पहले हमने रोइंग में एक प्रोग्राम किया था जहाँ हमने वहाँ भी हमने बुक शेल्फ और बुक्स लाइब्रेरी के लिए हमने दिया था और आने वाले टाइम पे हम अभी रोइंग में और एक मेडिकल इक्विपमेंट और फ्री मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन और मेडिकल कैंप आयोजित करेंगे। तो ये हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं और जो भी ये प्रोग्राम होता है वो हम कोशिश ये करते हैं कि दूर दूर जाके गाँव में और अलग अलग जगह जाके हम इनको दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।